हेलो फ्रेंड्स, पास्ता एक इटालियन डिश है और हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आती है, फिर चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, ले और क्या आपने कभी सुना है कि पास्ता का सेवन करने से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, पास्ता एक ऐसी चीज है जो कि मैदे से बनाई जाती है, जिसके अंदर MSG की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पास्ता या फिर ऐसी चीज जिसके अंदर MSG की मात्रा ज्यादा होती है, वो प्रेग्नेंट लेडी को कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि MSG हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे को डैमेज कर देती है और यही डैमेज हमारे गर्भपात का कारण भी बन जाता है। क्या आप बहुत ज्यादा पास्ता खाने के शौकीन हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको अपनी इस हैबिट को चेंज करना होगा, क्योंकि पास्ता के अंदर मौजूद MSG हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। जब हम पास्ता का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो कोई और खाना हमें पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से अगर हमें पास्ता नहीं मिलता है तो हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, और अगर हमें पास्ता मिल जाता है तो हम खुशी खुशी उसे खा लेते हैं। टू मेक इट शॉर्ट, अगर आपको पास्ता मिलता है तो आप खुश रहते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। इसीलिए अगर आप इस भयंकर अवसाद यानी कि डिप्रेशन की बीमारी से निकलना चाहते हैं तो मल्टी क्यूजीन को हमेशा ध्यान में रखिए, यानी कि हर तरीके का खाना खाइए, फिर चाहे वो चाइनीज फूड हो, इटालियन फूड हो, इंडियन क्यूजीन हो या फिर कोई और चीज हो, लेकिन एक ही तरीके के खाने पर कभी भी निर्भर मत रहिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।